जो एक एक्सटर्नल ब्लो या फोर्स के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग दौड़ रहे, एक दूसरे में टकरा गए, या फिर बॉल लग गया, या फिर कहीं पे बैंग हो गए। सो दीज ऑल कम्स अंडर डायरेक्ट इंजुरी। एंड देन वी हैव इनडायरेक्ट इंजुरी। जो मैक्सिमम इंजुरीज देखा जाता है वो है इनडायरेक्ट इंजुरी, जहां पे ओवर स्ट्रेच हो गया, टेक्निक खराब था जिसके कारण गिर गए, फटीक हो गया, फिटनेस लेवल सही नहीं था। इसमें जो इंजुरीज जो टाइप की होती है वो है लिगामेंट स्प्रेन, मसल स्प्रेन, टेयर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। एंड देन वी हैव ओवर यूज। ओवर यूज होता है जब एक्सेसिव एंड रिपीटेड फोर्स एक कोई पर्टिकुलर जॉइंट पे। सपोज एक बास्केटबॉल प्लेयर है एंड बार बार एक राइट फुट पे जंप कर रहा है। अब वो इतनी बार जंप कर रहा है कि वो राइट उसका जो फुट है उसका स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिटोरिएट होना चालू हो गया, बिकॉज फटीग के सेटिंग है, वो उसको टाइम नहीं दे रहा है हील होने के लिए। इवेंचुअली वो पार्ट जो है वो डैमेज होना चालू हो जाता है। अल्टीमेटली इट गेट्स इन्फ्लेम्ड एंड पेनफुल। सो दीज आर साइंस ऑफ ओवर यूज इंजुरी। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज टाइप ऑफ टिश्यू डैमेज। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है जो मेनली आपके स्किन, मसल, टेंडन, लिगामेंट्स में होता है। एंड देन वी हैव हार्ट टिश्यू इंजरी जो मोस्टली बोन्स में होता है। इसमें फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, बोन में स्वेलिंग या ब्रूजिंग। सो वी हैव फ्यू रिस्क फैक्टर्स इन स्पोर्ट्स इंजरी। एक होता है इंट्रेंसिक फैक्टर्स, एक होता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स। सो जो इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं उसमें दो आते हैं, द थिंग्स दैट वी कैनॉट चेंज, जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है एज, जेंडर, जेनेटिक्स। ये चीज पे वी कैनॉट चेंज इट, तो बट जो चीज पे बेकार वी कैन एक्चुअली वर्क जिससे इंजुरी ना हो वो है आपका स्ट्रेंथ। यू कैन एनी डे इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ सो दैट यू कैन स्टे अवे फ्रॉम इंजुरी। यू कैन इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो वो ओवर स्ट्रेचिंग इंजुरी ये सब से आप बच सकते हो। आपका जो जनरल हेल्थ है, आपका जो न्यूट्रिशन है, ये सब आप बढ़ा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका स्किल, जितना आपका स्किल जितना अच्छा है, जितना स्ट्रांग है, उतना आप इंजुरी को प्रिवेंट कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी ट्रेनिंग हुई नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लॉकडाउन में कोई भी अच्छी तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहा है, एंड सडनली जब लॉकडाउन खुल जाएगा एंड एकदम से लोग खेलने चालू करेंगे, तो क्योंकि उसकी बॉडी ट्रेन नहीं है, उसकी बॉडी अकस्टम नहीं है इतने लॉकडाउन पीरियड के बाद, तो इंजुरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं है, अगर आपके बॉडी में जो भी प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो सही नहीं जा रहे, आप डेफिशिएंट हो न्यूट्रिशन में, तो आपको इंजुरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है, हाईली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन की इंजुरी हो सकता है इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इक्विपमेंट। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। देन आता है एनवायरमेंट। आप जो एनवायरमेंट में खेल रहे हो, अगर वो एनवायरमेंट सुटेबल नहीं है, अगर सपोज आप जो ग्राउंड पे या जो कोर्ट पे खेल रहे हो, आपको पता है ये कोर्ट पे जो बंदा है वो स्लिप होता है, वो कोर्ट सही नहीं है, तो वहां पे इंजुरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड क्लाइमेट, अगर आप एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में खेल रहे हो, आपने बॉडी को अक्लेटमाइज नहीं किया है, आपकी बॉडी यूज टू नहीं है वो सर्टेन क्लाइमेट में खेलने के लिए, सो आप इंजर्ड हो सकते हो। तो ये हो गए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। सो अब वी कम टू द क्वेश्चन कि व्हाई डज दिस इंजुरी अकर, इंजुरी होता क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इम्प्रॉपर वार्म अप। अगर आपका बॉडी गर्म ही नहीं है, आपकी बॉडी वार्म्ड अप नहीं है, आपकी बॉडी खुली नहीं है, सो इंजुरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर आप दौड़ रहे हो एंड सडन चेंज इन डायरेक्शन हो गया, आपका एंकल ट्विस्ट हो सकता है, नी ट्विस्ट हो सकता है, इंजुरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर मूवमेंट है, अगर आपका कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग मूवमेंट हो रहा है नी पे, इंजुरी के चांसेस बढ़ सकता है। वन ऑफ द कॉमन रीजन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेन को इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर इसलिए करते हैं कि अगर उनने बाई चांस कोच को बता दिया या ट्रेनर, फिजियो, पेरेंट्स को बता दिया, तो शायद उनको खेलने से रोक दे, तो वो डर के मारे वो लोग पेन को छुपाते हैं। क्योंकि वो पेन को छुपाते हैं, जो चीज छोटे में उसको ठीक किया जा सकता है, वो ओवर द टाइम पीरियड वो बहुत बड़ा इंजुरी में कन्वर्ट हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर इग्नोर पेन। देन अगर आपकी स्ट्रेंथ पुअर है, बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है खेलने के लिए, इंजुरी के चांसेस बढ़ सकती है। आपकी अगर टेक्निक खराब है या ट्रेनिंग प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है ढंग से, इंजुरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इक्विपमेंट खराब है तो इंजुरी हो सकती है। या फिर ओवर यूज, ये भी एक बहुत कॉमन रीजन है। क्योंकि क्या होता है,
बच्चा कोचिंग में जाता है बाहर खेलता है, स्कूल में जाता है बाहर खेलता है, घर पे आता है घर के पास खेलता है. सो उसको पता ही नहीं कि मेरे को रुकना किधर है उसको, क्योंकि मजा आता रहता है तो ही कीप्स ऑन प्लेइंग. तो बॉडी रिकवर नहीं हो पा रहा है, रिकवर नहीं हो रहा है तो फटीक हो जा रहा है, विच इज एन ओवर यूज इंजुरी. सो यू शुड नो वेन टू स्टॉप, देन हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजुरी. सबसे पहले तो यू शुड डू अ प्रॉपर प्लानिंग. अगर आपका सब चीज प्लान्ड है, अगर सपोज मेरे को कल जाके बास्केटबॉल खेलना है, सो आई हैव टू प्लान कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर है कि नहीं, मेरा इक्विपमेंट प्रॉपर है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा तो नहीं करूं जिससे मेरी इंजुरी हो जाए. सो एवरीथिंग हैज टू बी डन थ्रू प्लानिंग. सो वंस यू प्लान इट, देन व्हाट वी एज फिजियोथेरेपिस्ट डू इज प्रीहैबिलिटेशन. अब ये एक ऐसी चीज होती है जो एक प्रिवेंटिव इंजुरी रिस्क असेसमेंट होता है, उसके बेसिस पे हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसको पहले डिटेक्ट कर ले और उसको रोक दे. जैसे अगर कल मेरे पास कोई एक बच्चा आता है एंड ही सेज कि मेरे को 6 महीने बाद मेरे को खेलना है, आई हैव अ टूर्नामेंट इन विच आई हैव टू प्ले, तो मैं उसका एक प्रिवेंटिव इंजुरी रिस्क असेसमेंट लूंगा जिसमें उसका मेडिकल हिस्ट्री आता है कि वेदर ही हैज डायबिटीज, ही हैज अस्थमा, ही हैज एनी अंडरलाइन यू नो किडनी स्टोन प्रॉब्लम. तो अगर ऐसा है, अगर सपोज उसको अस्थमा है और वो ऐसे एरिया में खेल रहा है जहाँ पे बहुत धूल है, तो उसको अटैक आ सकता है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर हिम. तो पहले से ही ये रूल आउट करना इम्पोर्टेंट है. देन वी डू अ कार्डियो रेस्पिरेटरी स्क्रीनिंग एंड देन वी डू अ मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग. तो मस्कुलोस्केलेटल में हम लोग पोस्चर चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं, वी चेक फॉर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, कोर स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन एज स्पोर्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग. मैं एक बास्केटबॉल वाले का स्क्रीनिंग बैडमिंटन वाले को नहीं दे सकता या एक बैडमिंटन वाले का रनर को नहीं दे सकता. एवरी स्पोर्ट इज उसका रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, सो वी हैव टू यू नो स्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्पोर्ट. Everything is done under biomechanical observations. सब चीज में pointers डाला जाता है, you know, scientifically सब चीज को assess किया जाता है, and ये सारे चीजों को video analysis के through record किया जाता है. एक बार आपने screening कर लिया, now suppose मैंने किसी का screening किया, मेरे को लगता है कि okay, ये body, ये जो बच्चा है या ये जो player है, इसमें ये muscle weak है, ये muscle tight है, ये joint उसका unstable है, हो सकता है उसको आगे चल के बैक पेन हो जाए. अगर मुझे ये लगता है तो मैं उसके हिसाब से उसका एक रिहैबिलिटेशन प्रीहैबिलिटेशन एक्सरसाइज चार्ट बनाऊंगा एंड मैं उसको प्रिंसिपल में डालूंगा और प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, ताकि मुझे पता है कि मैं एकदम से ज्यादा लोड नहीं डाल रहा हूँ ताकि इंजुरी हो जाए. सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हेनेवर यू आर ट्रेनिंग, आपका जो वीकली ट्रेनिंग वर्कआउट जो इंटेंसिटी है, इट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 10%. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 30 किलोमीटर एक हफ्ते में दौड़ रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट वीक का जो माइलेज है अगर उसको बढ़ाना है तो 33 किलोमीटर के ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए. इट्स ओनली 10% मोर, ताकि बॉडी को इनफ टाइम मिले रिकवरी के लिए, अडेप्टेशन के लिए, रेस्ट के लिए. इफ यू आर लिफ्टिंग 10 kg वेट, अब ये हफ्ते में मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ और मैं 10 kg उठा रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट वीक में मैं 11 kg के ऊपर नहीं उठाऊंगा, सो दैट आई एम नॉट ओवर ट्रेनिंग माई सेल्फ. एक बार प्रोग्रेसिव ओवर ट्रेनिंग में वी हैव बेसिकली 4 phases. फेज 1 इज फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी फेज है बॉडी के लिए, ताकि उसको सिखाए कि ओके हैवी वेट्स आपको उठाना है, इस टाइप की ट्रेनिंग आपको करना है, इतना फास्ट आपको दौड़ना है. तो ये एक फाउंडेशन फेज है, इसमें आप लाइट वेट एंड मोर रेपिटेशन करते हो. फिर आप आते हो फेज 2 पे जो है बेसिकली हाइपरट्रॉफी, मसल को ग्रो करना है. ये 50-75% ऑफ इंटेंसिटी पे किया जाता है. इसमें मेन गोल है अपना मसल गेन. इट इज हाई रेपिटेशन विद मॉडरेट वेट. फिर आते फेज 3 पे जो बेसिकली हम लोग को अभी स्ट्रेंथ डेवलप करना है. सो इट इज 80-90% ऑफ योर मैक्सिमम कैपेसिटी. इसमें हायर वेट देते हैं एंड रेपिटेशन को कम कर देते हैं. एंड फाइनली जो फेज 4 है, अब आपके पास स्ट्रेंथ आ गया है, मेरा मेन गोल है कि मैं पावर में कन्वर्ट करूं उसको. So that मैं जब powerful movement करूँ, explosive movement करूँ, I have that enough strength to, you know, help me do that activity. So power में you give 75-95% of maximum capacity and you convert strength to power.
एक बार आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल आपने अप्लाई किया है, देन यू गो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग. नाउ इफ आई वांट टू ट्रेन अ स्पेसिफिक एथलीट, मैं उसके स्पोर्ट्स के हिसाब से ही उसको ट्रेन करूंगा. अगर मेरे को एक बास्केटबॉल प्लेयर को वर्टिकल जंप के लिए ट्रेन करना है, तो मुझे उसके हिसाब से ही ट्रेन करना पड़ेगा, तो ही उसका इंप्रूवमेंट आएगा. आई कैन नॉट टेल हिम कि ओके तुम एक काम करो, जाओ 30 किलोमीटर दौड़ो एंड आपका जो लेग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उससे आपका जंप हाइट, जंप का जो वर्टिकल हाइट है वो इंक्रीज होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर मुझे जो चीज इंप्रूव करना है, मेरे को उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग करना चाहिए. अगेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. पीपल हु वांट टू रन फास्टर, स्प्रिंट ट्रेनिंग या इंटरवल ट्रेनिंग विल हेल्प देम रन फास्टर. लेकिन अगर कोई मैराथन रनर है, उसको एंड्योरेंस पे वर्कआउट करना है, ही वांट्स टू बिल्ड हिज एंड्योरेंस, तो ही हैज टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द रोड. उसको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ज्यादा करना पड़ेगा ताकि उसका लेग उसके हिसाब से ट्रेन हो जाए, उसका जो हार्ट है, उसका जो बॉडी है, उसके हिसाब से ट्रेन हो जाए. सो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए हर टाइम. एंड देन वी कम ऑन पीरियडाइजेशन. अगेन पीरियडाइजेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यूज टू प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है. सो अ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यूज टू प्रिवेंट ओवर ट्रेनिंग एंड रिड्यूस, सो दैट वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजुरी बाई प्रोग्रेसिंग स्लोली फ्रॉम वन फेज टू अनदर, गिविंग इनफ टाइम फॉर रेस्ट एंड रिकवरी टू अकर, सो दैट अडेप्टेशन कैन अकर. मतलब आप ओवर ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, उसका एक ध्यान देना है, एंड आपका जो ट्रेनिंग है उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, ताकि बॉडी को इनफ टाइम मिले रेस्ट एंड रिकवरी के लिए, ताकि आपका जो भी इम्प्रूवमेंट हो वो सही तरीके से हो. तो अगर मेरे पास एक बच्चा आता है, बोलता है कि मेरा 1 साल बाद मेरा टूर्नामेंट है, तो मैं उसका जो ईयर का जो ट्रेनिंग है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको फिक्स कर दूंगा, ताकि इस तरह से करूँ ताकि जब वो अपने टूर्नामेंट पर पहुंचे वो अपने पीक परफॉर्मेंस पर रहे, उसकी रिकवरी फास्ट हो, वो इंजुरी फ्री रहे एंड वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाए. एंड हमेशा आपको वर्कलोड मॉनिटरिंग करना है, कहीं आप ओवर ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ओवर ट्रेनिंग होगा तो इंजुरी हो जाएगी. कहीं आप अंडर ट्रेन तो नहीं हो रहे हो, अगर अंडर ट्रेनिंग हो रही है तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा. एंड आपका जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव है कि नहीं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्कलोड मॉनिटरिंग से वी कैन फाइंड आउट. नाउ हाउ टू प्रिपेयर योर बॉडी. अगर मेरे को कोई गेम के लिए तैयार होना है, सो हाउ टू प्रिपेयर माई सेल्फ. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स वार्म अप. अब जब वार्म अप की बात करते हैं, तो बहुत टाइम मैंने देखा है कि मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, देखा भी है, एंड इनफैक्ट मैंने भी वो तरीका यूज किया था कि बच्चों को बोल दिया मैंने कि जाओ तुम 20 मिनट दौड़ लो, आधा घंटा दौड़ लो, थोड़े डायनेमिक मूवमेंट्स कर लो, एंड बॉडी गर्म हो गई है. बट दैट इज नॉट कॉल्ड वार्म अप. जब आप वार्म अप बोलते हो तो इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन देखना चाहिए. सपोज मेरी बॉडी आधे घंटे में वार्म अप होती है और एक दूसरे की बॉडी 40 मिनट लगता है उसको गर्म, बॉडी को गर्म करने के लिए, और आपने बोला कि आधे घंटे का वार्म अप करना है, तो मेरी बॉडी तो गर्म हो गई, लेकिन जो जो दूसरा बंदा है जिसको 40 मिनट लगता है यूजुअली बॉडी गर्म करने को, उसकी बॉडी ठंडी रह गई, तो उसकी बॉडी वार्म अप नहीं हुई है. तो जब आप ग्रुप में वार्म अप कराते हो, आपको ये ध्यान देना है कि कौन कितना टाइम लगाता है बॉडी को गर्म करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज एनवायरमेंट. अगर आप कोई ऐसे गर्म टेम्परेचर में खेल रहे हो तो बॉडी गर्म जल्दी हो जाएगी, लेकिन वही आप कोई ऐसे टेम्परेचर में खेल रहे हो जहाँ पे 7 डिग्रीज है, 3 डिग्रीज है, तो वहां पे मालूम है कि बॉडी गर्म होने को टाइम लगाएगा. सो जो फॉर्मूला अपन यूज करते कि आधा घंटा दौड़ लो या ये कर लो, यू कैन नॉट अप्लाई दैट. यू शुड ऑलवेज कंसिडर योर इंडिविजुअल कंसिडरेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन. एंड इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द अपकमिंग मूवमेंट. फिर से जब वार्म अप करते हैं तो वार्म अप में आप हमेशा डायनेमिक मूवमेंट्स करोगे. यू नेवर डू स्टैटिक मूवमेंट्स. डायनेमिक मूवमेंट्स मतलब आप स्ट्रेच करते हो एंड यू लीव इट, यू स्ट्रेच इट एंड लीव इट, आप उसको होल्ड नहीं करते हो. तो इसमें आप जॉगिंग कर सकते हो, डायनेमिक मूवमेंट्स हो गए, डायनेमिक स्ट्रेचेस हो गए, ये एक पार्ट है. एंड दूसरा है मूवमेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हो एंड आपको जंप करना है, सो यू नो यू हैव टू यू नो वार्म अप योर एंकल, योर नी, योर हिप, योर बैक. अगर ये पार्ट आपका वार्म अप नहीं हुआ है प्रॉपर, तो वहां पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो जनरल एक्सरसाइज एंड मूवमेंट स्पेसिफिक एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वार्म अप. देन कम्स इन फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात करते हैं, तो एक होता है सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी. बेसिकली जिसमें आप स्किन,
मसल, टेंडन, आपके फेशिया, इन सबको स्ट्रेच कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग आपको, लोग बोलते हैं कि मैं स्ट्रेचिंग तो करता हूँ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बट तो भी मेरी बॉडी स्टिफ लगती है। वो स्टिफ इसलिए लगती होगी क्योंकि उसके जो नस है, जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स है, वो टाइट है। तो स्ट्रेचिंग में आपको एक तो नॉर्मल जो अपन डे टू डे स्ट्रेचिंग करते हैं वो, प्लस नसों की भी स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ मूवमेंट। फिर से, मैं स्ट्रेचिंग करता हूं तो भी मेरी बॉडी स्टिफ लगती है, मे बी मेरी बॉडी, मेरा जॉइंट का जो मूवमेंट है वो स्टिफ है। तो आप मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हो, या तो एक स्टिक लेके योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, या एनिमल फ्लो जो आजकल जो लोग कर रहे हैं वो है एनिमल फ्लो। एंड देन कम्स योर कोर स्ट्रेंथनिंग। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो मेरे को घुटने में दर्द है, मेरे को गर्दन में दर्द है, मेरे को हाथ में दर्द है, डॉक्टर बोलेगा घुटने को स्ट्रेंथन करो, कोर को स्ट्रांग बनाओ, नेक को स्ट्रेंथन करो, कोर को स्ट्रांग बनाओ, रिस्ट को स्ट्रेंथन करो, कोर को स्ट्रांग बनाओ। कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है बॉडी में, इट हेल्प्स इन दैट। सो द स्ट्रॉन्गर योर कोर इज, द बेटर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द मोर पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन यू कैन प्रोड्यूस। मसल कॉन्ट्रैक्शन पावर होगा तो आपका परफॉर्मेंस ज्यादा आएगा। परफॉर्मेंस ज्यादा आया, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी ट्रांसफर प्रॉपर है, कोर स्ट्रेंथ इज गुड, तो आपका इंजुरी का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो नेवर फॉरगेट योर कोर। एंड देन कम्स इन योर न्यूट्रिशन। अ वेल प्लान न्यूट्रिशन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो वो क्या करेगा, वो मसल का जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करना चालू कर देगा, एंड जो आपकी रिकवरी है उसको भी डिले करेगा, हेंस यू माइट गेट प्रोन टू इंजुरी। सेफ्टी इक्विपमेंट, ऑलवेज यूज प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रॉपर गेयर। जैसे मैंने देखा है, मैं बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ काम करता हूँ, मेरे पास जो आते हैं उनका जो शूज है वो नीचे से घस चुका है, लेकिन वो पहनते हैं क्योंकि या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो घर वाले लेके नहीं दे रहे, या वॉट एवर रीजन, लेकिन शूज की एक फंक्शन रहता है, उसकी एक लाइफ रहती है। अगर इफ योर शूज इज प्रॉपर, अगर वो सही फंक्शन कर रहा है, तो आपका पैर जो अंदर है वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन अगर आपका शूज प्रॉपर नहीं है, सो यू विल कीप यू नो बैंगिंग योर फुट, आपका जो इंसोल अगर घस गया है तो आप वो पूरा जो इम्पैक्ट है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, वो आपके बॉडी पे आएगा। एंड भले आप वैसे उस तरह से गिरने से इंजुरी ना नहीं हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ आपका इक्विपमेंट जो प्रॉपर नहीं है, उसके कारण इंजुरी हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इक्विपमेंट। एज आई सेड, नो पेन नो गेन जो फॉर्मूला है वो कहीं तरीके से अच्छा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि विच पेन इज अ गुड पेन, विच पेन इज अ बैड पेन, कौन सा मेरा फ्रेंडली पेन है और कौन सा मेरा एनिमी पेन है। अगर मेरा एक होता है कि मैं खेला, मसल दुख रहा है, मालूम है सोनस है, निकल जाएगा, लेकिन मसल दुख रहा है, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जा ही नहीं रहा, इट कैन बी समथिंग एल्स, इट कैन बी एन इंजुरी। सो नेवर हाइड पेन और डिस्कम्फर्ट। आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है, यू गो टू अ गुड फिजियो, यू गो टू अ गुड डॉक्टर एंड गेट इट रूल्ड आउट। यू कैन यूज प्रॉपर यूज सपोर्ट, जैसे जो टेपिंग करते हैं, काइनेशियोलॉजी टेपिंग, रिजिड टेपिंग, आप स्ट्रैप्स यूज कर सकते हैं, ब्रेस यूज कर सकते हैं, जो भी आपका गेम अलाउ करता है यूज करने के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं टू स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजुरी या टू प्रिवेंट इट। एंड देन कम्स योर कूल डाउन। सो ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वार्म अप, आपको पता कैसे चलेगा कि बॉडी गर्म हो गई है? बेसिकली आपका जो हार्ट रेट है वो आपका बढ़ आएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग योर हार्ट रेट। आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ आएगा। बॉडी में हल्का हल्का यू फील पसीना। आपका जो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी खून की नली है, जो डायमीटर है, जब आप बॉडी वार्म अप करते हो तो वैसा डायलेट होता है, वो बढ़ जाती है। अब खून की नली बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो बॉडी हीट बढ़ जाती है। उसके बाद जब आप खेलते हो तो बॉडी एकदम गर्म हो जाता है, मतलब आपका जो खून का नली है वो और वैसा डायलेट हो जाता है। लेकिन ये आपका नॉर्मल नहीं है, इतना खून आपके बॉडी को नहीं चाहिए जब आप रेस्ट पे हो, इसलिए कूल डाउन आता है। सो कूल डाउन क्या करता है, आपका जो नली है उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको वापस छोटा बनाता है। जब वो आपका खून की नली छोटी हो जाती है, ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, एंड बॉडी विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। बहुत बार होता है कि आपने वार्म अप किया, बहुत अच्छा खेला, लेकिन कूल डाउन नहीं किया, उसके कारण इंजुरी हो जाती है, क्योंकि बॉडी
इज नॉट एट रेस्ट, आपने बॉडी को वो परफॉर्मेंस वो लेवल पे छोड़ दिया जो उसको चाहिए नहीं, आपका जो बेसलाइन लेवल है वो ये है, सो यू हैव टू गेट योर बॉडी बैक टू द बेसलाइन लेवल एंड देन कम्स योर रिकवरी. अगर आप बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में खेल रहे हो जहाँ पे बहुत गर्म है, डिहाइड्रेशन के चांसेस है, तो वहां पे आप आइस बाथ ले सकते हो, स्विमिंग पूल में जा सकते हो, बहुत सारा पानी पीना है. इफ यू हैव एनर्जी ड्रिंक यू कैन हैव एनर्जी ड्रिंक. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो फोटो में जो दिख रहा है जो सो रहा है वो दैट इज अ रॉन्ग स्लीप, वो मतलब वो बंदा फटीक हो चुका है. पूरा प्रॉपर नाइट स्लीप इज इम्पॉर्टेंट. यू कैन गेट कपिंग थेरेपी डन. ये बेसिकली क्या करता है, एक नेगेटिव प्रेशर को ऊपर खींचता है. इट्स अ टाइप ऑफ मसाज. मसाज में आप अंदर दबाते हो और आप मूव करते हो, कपिंग थेरेपी में आप उसको ऊपर खींच के मूव करते हो, तो बॉडी रिलैक्स होता है, टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं एंड रिलैक्स्ड. यू कैन यूज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं जो अभी मार्केट में मिलते हैं मसाज के लिए, फोम रोलर यूज कर सकते हैं, डीप टिश्यू मसाज करा सकते हो, या बेस्ट इज मेडिटेशन, जो आपके बॉडी को मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा. यू विल लिटरली काम डाउन योरसेल्फ. एंड ऑलवेज रिमेंबर एवरी गेम हैज इट्स इंजरी डिपेंडिंग ऑन द गेम बीइंग प्लेड एंड द पोजीशन ऑफ प्लेयर. ऐसा कोई भी गेम नहीं है जिसमें इंजरी नहीं होगा. इवन कैरम में फिंगर इंजरी होता है. अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो एक गोल कीपर की इंजुरी अलग रहेगी, एक स्ट्राइकर की इंजुरी अलग रहेगी, भले गेम सेम हो, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट अलग है. वो सेम गेम में दो प्लेयर्स का रिक्वायरमेंट अलग है. दैट इज वाई हर एक गेम में इंजुरी होगी, और उसका जो रोल है वो टीम में या इंडिविजुअल गेम में उसके हिसाब से इंजुरी अलग रहेगी. सो कोचेस प्लेयर्स पेरेंट्स सबको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो प्लेयर्स को इन्फॉर्म करना है कि अगर इंजुरी होती है तो दिस इज वॉट यू हैव टू फॉलो. सबसे पहले अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है उसको मालूम रहना चाहिए कि ही शुड अवॉइड मूविंग द इंजर्ड पार्ट. अगर मेरे को रिस्ट में इंजुरी हो गई और मैं बार बार उसको मूव कर रहा हूँ तो मैं इंजुरी को बढ़ा रहा हूँ. मेरे को इंस्टेंट मैं गिर गया, मेरा रिस्ट ट्विस्ट हो गया, आई हैव टू स्टॉप मूविंग माई रिस्ट. अगर कोई ओपन वुंड है, कट गया है, इमीडिएटली उसको क्लीन करना इंपॉर्टेंट है. या तो आप एक एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करो या रनिंग फ्रेश वाटर से क्लीन कर सकते हैं. प्लेयर को हमेशा ध्यान देना है कि उसको पेन या डिस्कम्फर्ट छुपाना नहीं है. अगर उसको तकलीफ हो रही है तुरंत बता दे, कोच को बता दे, फिजियो को बता दे, पेरेंट्स को बता दे. हमेशा हाइड्रेट योरसेल्फ. आपने बहुत बार देखा होगा जब इंजुरी होती है तो पैनिक सिचुएशन आ जाता है. वो बंदा लिटरली पैनिक कर जाता है कि मेरा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मैं अभी खेल पाऊंगा कि नहीं, मेरा वो सब नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाता है. सो उसको वो टाइम पे बिठाओ, पानी पिलाओ, लेट हिम काम डाउन. एंड जैसे मैंने कहा कि वो प्लेयर को हमेशा कोच, फिजियो, पेरेंट्स या डॉक्टर, कोई एक सीनियर को जाके इन्फॉर्म करना चाहिए कि मुझे इंजुरी हुई है. सो एज अ कोच, एज अ पेरेंट, वी हैव टू इन्फॉर्म द प्लेयर्स, वी हैव टू इन्फॉर्म द चिल्ड्रन कि अगर इंजुरी होती है यू शुड फॉलो दीज प्रोटोकॉल. एंड अब ये हो गया प्लेयर्स के लिए, अब आता है कोचेस के लिए. अगर बाई चांस इंजुरी होती है सो कोचेस को ये चीज फॉलो करना है. फर्स्ट यू हैव टू बेसिकली स्टॉप द एक्टिविटी. बच्चे को खेलने से रोकना है. टॉक टू द प्लेयर, उसके बारे में इंजुरी के बारे में पूछो कैसे गिरा, कितना ज्यादा पेन है, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करो. बहुत बार होता है कि एंकल ट्विस्ट हो गया लेकिन बच्चा खड़ा हो जाएगा, आप पूछते हो कि पेन है, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वो डर रहा है. अगर उसने पेन बोल दिया तो शायद मेरा कोच या मेरे ट्रेनर मेरे को खेलने नहीं देंगे. तो आप उसको ऑब्जर्व करो. अगर वो लिम्प कर रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, कूद नहीं पा रहा है, सो यू नो ये बंदा इंजर्ड है. एंड प्रिवेंट द इंजुरी फ्रॉम वर्सनिंग. आपको अगर पता है कि लेग इंजुरी है तो उसको चलने से रोक दो, उस पर प्रेशर डालने से रोक दो. सो यू कैन प्रिवेंट सच इंजुरीज. एंड अगर माइल्ड इंजुरी है तो आप उसको दिलासा दीजिए, ही कैन प्ले. आप उसको सिर्फ मोटिवेट करो खेलने से. लेकिन अगर आपको लगता है कि मॉडरेट इंजुरी है तो आपको राइज फॉलो करना है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन, एलिवेशन. एंड सीवियर इंजुरी में इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास भेज देना है, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए अपने को. सो दिस इज द थिंग दैट कोचेस शुड फॉलो. नाउ सपोज यू आर ऑन द कोर्ट एंड देयर इज एन इंजुरी ओवर देयर, एंड कोच को ये डिसाइड करना है कि मेरे को ये प्लेयर को आगे खेलने देना है कि नहीं, या फिर मेरे को इसको डॉक्टर के पास भेजू कि नहीं. तो इंस्टेंट जो ऑन फील्ड या ऑन कोर्ट आपको जो डिसीजन लेना है, दिस चार्ट विल हेल्प यू. सो इफ एट ऑल देयर इज एन इंजुरी,
सबसे पहले यू हैव टू आस्क हिम व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ और कैसे हुआ। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो भाग रहा था, दूसरे का पैर उसके पैर पे लगा एंड वो ट्विस्ट होके गिर गया। तो आपने बच्चे को पूछा, उसने आपको बोला कि दूसरे का पैर लगा, ट्विस्ट हुआ, गिर गया। अब पैर ट्विस्ट पैर उसका फुट पे लगा, लेकिन ट्विस्ट उसका घुटना हुआ। उसका इंटेंसिटी ऑफ पेन, अगर वो बोलता है कि मेरा पेन 10-20% है, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, ये पेन छोटा मोटा है, निकल जाएगा। अगर वो बोलता है नहीं मेरा पेन 50-60% है, तो आप सोच सकते हो कि नहीं ये शायद इंजुरी बड़ी है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन अगर वो बोलता है कि अनबेरेबल पेन है, 80-90% पेन है या 100% पेन है, तो आपको पता है ये कुछ तो भी मेजर चीज है, इमिडिएटली उसको डॉक्टर के पास भेजना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि जो भी पार्ट इंजर्ड है वहां पे सूजन आई है क्या, वहां पे कोई ब्रूज हुआ है क्या, कट हुआ है क्या, खून निकल रहा है क्या, वहां का जो स्किन का कलर है वो शाइनी हो रहा है क्या। क्योंकि अगर इंजुरी है, स्वेलिंग आ रहा है, तो इमिडिएटली वो स्किन वहां पे रेडिश एंड शाइनी दिखेगा, तो आपको पता है कि ओके ये इंजुरी बड़ी है। लेकिन अगर स्वेलिंग भी नहीं है, कलर और स्किन भी चेंज नहीं हुआ है, वो बोल रहा है कि पेन मेरा 10-20% ही है, तो आप इमेजिन वो कर सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो कि शायद ये पेन छोटा है। नेक्स्ट आपको जो भी इंजर्ड पार्ट है उस पर दबा के देखिए। अगर मैं बोलता हूँ मेरे रिस्ट में इंजुरी है, मेरे हाथ दुख रहा है, मैं मूव कर पा रहा हूँ, स्वेलिंग नहीं है, पेन कम है, तो मैं उसको दबा के देख रहा हूँ। अगर मैं उसको दबा पा रहा हूँ, तो मैं वो इंजुरी शायद छोटी होगी, मैं खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को वो दबाने नहीं दे रहा है, उसका टेंडरनेस बहुत ज्यादा है, तो फिर अगर वो दबाने दे रहा है और उसका पेन भी कम है, स्वेलिंग भी नहीं है, सो यू नो यू कैन प्ले। लेकिन अगर वो दबाने नहीं दे रहा है, स्वेलिंग भी है, पेन भी अनबेरेबल है, तो पता है कि इंजुरी बड़ी है, नहीं खेल सकते। उसके बाद यू कम ऑन रेंज ऑफ मोशन। अगर मेरे को शोल्डर में इंजुरी है और मैं वो शोल्डर मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मेरे को पता है कि इन शोल्डर में कुछ मेजर चीज हो सकता है, ही कैन नॉट प्ले। लेकिन अगर शोल्डर मूव कर पा रहा हूँ, हर एक डायरेक्शन में आई कैन मूव माई शोल्डर आफ्टर द इंजुरी, पता है कि हाँ ठीक है छोटा मोटा होगा, शायद खेल सकता है। फाइनली यू डू अ स्किल टेस्ट। अगर वो बोलता है कि मेरे घुटने में दर्द है या एंकल में दर्द है, उसको बोलो कि स्प्रिंट मार के दिखाए, जंप करके दिखाए। तो जो स्पोर्ट में जो एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, अगर वो बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका काम है कि जंप करे, सिंगल लेग पे हॉक करे, तो उसको वो टेस्ट करके देखो। अगर वो कर पा रहा है तो ही कैन प्ले, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो यू नो ही कैन नॉट प्ले। एंड फाइनली यू कैन आस्क और डिसाइड वेदर दैट प्लेयर कैन कंटिन्यू और नॉट। तो मैं आपको इसको एक ब्रीफ में डाल देता हूँ। एक बच्चा खेल रहा था बास्केटबॉल, दौड़ रहा था, पैर ट्विस्ट हो गया, गिर गया। पेन इज 10-20%, स्वेलिंग नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, वो एंकल को पूरा मूव कर पा रहा है, जंप हॉप रन सब कुछ कर पा रहा है, मीन्स ये बंदे का इंजुरी छोटा है, वो खेल सकता है। लेकिन एक बंदा अगर दौड़ रहा था, पैर ट्विस्ट हो गया, गिर गया, पेन इज 80-90%, तुरंत स्वेलिंग आ गया, वो छूने नहीं दे रहा है, एंकल हिला नहीं पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है, जंप नहीं कर पा रहा है, आपको पता है इंजुरी बड़ी है, वो नहीं खेल सकता। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड ऑन फील्ड। नाउ वी हैव कोचेस रोल ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ इंजुरी। व्हेन अ प्लेयर इज इंजर्ड, कोच का ये रोल है कि उसको इमोशनली सपोर्ट करो, क्योंकि उसमें वो बहुत डिप्रेशन में चले जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो उसको इमोशनली आपको उसको सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करते रहना है। जब उसका रिहैबिलिटेशन का फेज चालू है, सो यू मोटिवेट हिम टू एक्सरसाइज प्रॉपरली, उसके स्किल पे ज्यादा काम कराओ, उसके कोर को ज्यादा स्ट्रांग करो। जब उसका रिटर्न टू स्पोर्ट होने वाला है, तो आप वो प्रीहैब टेस्ट जो मैंने बात किया था कि प्रीहैबिलिटेशन, वो उसका स्क्रीनिंग करवाओ एंड उसके हिसाब से उसको ट्रेन करा के यू कैन गेट हिम बैक टू प्लेइंग। So this is the coach's role after an injury. अब by chance injury हो गई, तो what you have to follow is price. सबसे पहले तो you prevent the player from playing.
मतलब उसको जो भी एक्टिविटी कर रहा है उससे उसको रोको, उसके बाद वो पार्ट को इमिजिएटली रेस्ट दो, नहीं तो आगे और डैमेज हो सकता है। यू हैव टू अप्लाई आइस लोकली जब तक स्किन नम नहीं होता है। तो मे बी आप 15 to 20 मिनट कर सकते हैं सुबह शाम, या फिर हर 2-3 घंटे में आप 8 से 10 मिनट आइस कर सकते हो। यू कैन यूज अ कॉम्प्रेशन बैंडेज इमिजिएटली आफ्टर आइसिंग, क्रेप बैंडेज यूज कर सकते हैं। अब सपोज मेरे को एल्बो में इंजुरी है, सो माई क्रेप बैंडेज शुड बी 10 सेंटीमीटर अबव एंड 10 सेंटीमीटर बिलो द एल्बो। तो इतना डिस्टेंस तक मेरा क्रेप बैंडेज बंधा रहेगा, एंड हर 1 घंटे में आपको बैंडेज खोल के रीअप्लाई करना है। दिस विल हेल्प यू टू रिड्यूस द स्वेलिंग। एंड फाइनली यू हैव टू एलिवेट द इंजर्ड पार्ट। अगर आपका पैर में इंजुरी है या घुटने में इंजुरी है तो उसको एक तकिए पर रख दो, टेबल पर रख दो, ताकि ग्रेविटी विल पुल ऑल द ब्लड बैक टू द हार्ट। अगर अपर बॉडी में इंजुरी है, हाथ में इंजुरी है, तो उसको एक शोल्डर स्लिंग में डाल दो। सो देर आर फ्यू गाइडलाइंस फॉर रिटर्न टू स्पोर्ट्स। वन, इंजुरी हो गई, रिकवरी हो गई, नाउ यू वॉन्ट टू डिसाइड कि वेदर दिस प्लेयर शुड प्ले और नॉट। ए, ही शुड बी एबल टू मूव द एफेक्टेड ज्वाइंट इन फुल रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट, जब आप वो ज्वाइंट पे प्रेशर डालते हो, देर शुड बी नो पेन और मिनिमल पेन। ही शुड पास द फिटनेस टेस्ट या स्किल टेस्ट। अगर वो टेस्ट, फिटनेस टेस्ट या स्किल टेस्ट पास नहीं कर पा रहा है, सो ही इज नॉट फिट टू प्ले। एंड फाइनली, आपको अगर डाउट है, 10% डाउट है कि शायद इंजुरी हो सकती है, यू कैन यूज अ टेप, अ ब्रेस, कोई भी सपोर्टिव इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू प्रिवेंट अ स्पोर्ट्स इंजुरी। नाउ आई विल कम ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ माई टॉपिक, विच इज फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंजर्ड पर्सन है या सिक पर्सन है, एंड आप जब उसको कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, जब तक कोई प्रोफेशनल डॉक्टर या पैरामेडिक नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो इंस्टेंट दिया जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डूज एंड डोंट्स। डूज है, कभी भी कोई इंजुरी होता है, यू फॉलो राइस, दैट इज रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन। वॉट यू डोंट डू इज एक्टिविटी, कभी भी एक्टिविटी नहीं करना है, इंजर्ड पार्ट की एक्टिविटी नहीं करवाना है। आपको जब लग जाता है, अक्यूट इंजुरी में कभी भी हीट नहीं देते हैं, यू नेवर गिव हीट, यू नेवर मसाज दैट पार्ट। इंजुरी हो गई और आप उसको मसाज कर रहे हो, इंजुरी बढ़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देर इज नो मैजिकल स्प्रे। बहुत बार होता है टीवी पे देखते हैं, इंजुरी होती है, उसमें स्प्रे मारा, प्लेयर उठा और दौड़ लिया। दैट इज नॉट द स्प्रे दैट वी यूज, दैट इज समथिंग डिफरेंट। स्प्रे सिर्फ साइकोलॉजिकली काम करता है कि हाँ स्प्रे मार दिया, दर्द निकल जाएगा, नहीं तो ऑन फील्ड इंजुरी में स्प्रे कोई काम का नहीं रहता है। इनफैक्ट अगर आप रैली स्प्रे या वोलिनी स्प्रे मारते हो एंड आप गर्म टेम्परेचर में खेल रहे हो, आपका वो पार्ट जलना चालू हो जाएगा स्वेट के कारण, तो इंजुरी अलग रहेगी और वो बर्न अलग रहेगा। एंड हमेशा ध्यान देना है, अपना जो गोल है, इट इज प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। डायग्नोसिस शुड ऑलवेज बी बाय अ डॉक्टर। कोई अननोन बंदा या रैंडम बंदा नहीं बोलना चाहिए अरे इसको ये हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि वो डायग्नोसिस गलत हो जाता है, क्योंकि एक जन ने बोल लिया, सब लोग पकड़ के चलते हैं और पता चला उसको प्रॉब्लम ही कुछ और है। मेडिकेशन हमेशा डॉक्टर के थ्रू ही होना चाहिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि ओपन वुंड है या इसको टेटनस का इंजेक्शन देना है, तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू ही दिलाइए। मेरे साथ हुआ था क्रिकेट में, मैं आंध्र प्रदेश में था, वहां पे एक बंदे को लोहे से लग गया था। तो रैंडमली कोई एक होटल वाला था, बोला मैं ही इंजेक्शन दे देता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि आप डॉक्टर हो? नहीं। मैं बोला आप नर्स हो? नहीं। तो बोले नहीं, मैंने देखा है इंजेक्शन कैसे देते, मैं दे सकता हूँ। तो कभी भी ये नहीं करना, हमेशा कोई क्वालिफाइड बंदे के थ्रू ही इंजेक्शन दिलवाना है। तो एज आई टोल्ड यू, प्राइमरी मैनेजमेंट इज रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन, एलिवेशन एंड देन रेफरल। अगर आपको लगता है इंजुरी है, उसको रेफर कर दो कोई प्रोफेशनल के पास। जब रेस्ट की बात करते हैं, तो रेस्ट इमिजिएटली होना चाहिए। जो इंजर्ड पार्ट है उसको मूवमेंट नहीं करवाना है, ताकि जो भी ब्लड बढ़ रहा है या स्वेलिंग बढ़ रहा है, आप उसको रोक सकते हो। अगर लोअर बॉडी में इंजुरी है, तो यू कैन यूज क्रचेस या वॉकर। अपर बॉडी में इंजुरी है, यू कैन यूज अ स्लिंग। आइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडक्शन इन पेन। जैसे मैंने कहा, आइस क्या करता है, आपकी जो खून की नली है उसका डायमीटर छोटा बनाता है। वो फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स में होता है, जिसको लुईस हंटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप बहुत देर तक आइसिंग करते हो, बहुत बार होता है कि हमने कोई प्लेयर को बोला आइस करो, वो आधा घंटा पौन घंटे तक आइसिंग करता है,
उससे उसको वो लाल हो जाता है और फिर वो जलना चालू हो जाता है बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ आइस बर्न. सो हमेशा ध्यान देना है कि आइसिंग भी तरीके से यूज करना है. आइस इमीडिएटली आफ्टर एन इंजुरी यूज करना है. इट कैन बी अप्लाइड 8 to 10 minutes एवरी 2 to 3 hours. बेस्ट है, सेफ है एंड इफेक्टिव है. एंड ये इंजुरी के 48 hours से 72 hours तक आप आइसिंग कर सकते हो अक्यूट इंजुरी के, मतलब 3 से 4 दिन तक आप आइसिंग आराम से कर सकते हो. आइसिंग जब आप करते हो आप आइस बैग यूज कर सकते हैं, रैप्स यूज कर सकते हैं, जेल पैक्स यूज कर सकते हैं, या आइस के पानी के बकेट में आप हाथ डाल सकते हैं या पैर डाल सकते हैं. लेकिन ध्यान देना है कि आइस को डायरेक्टली स्किन पे नहीं रखना है क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि आइस बर्न होने के चांसेस बहुत है. जब कॉम्प्रेशन बैंडेज की बात करते हैं, क्रेप बैंडेज की, तो इट शुड बी डन, वो फर्म बांधना चाहिए. अब सपोज मैंने मेरे हाथ पे कॉम्प्रेशन बैंडेज बांधा है और मेरे को ये देखना है कि मेरा जो प्रेशर है वो सही है कि नहीं, तो ये मेरे हाथ पे प्रेशर बैंडेज है, मैं एक उंगली डालूंगा और मेरे को उसका एक ऐसा प्रेशर फील होना चाहिए. लेकिन मुझे वो फील नहीं होना चाहिए कि वो हाथ को एकदम दबा रहा है, सिर्फ प्रेशर फील होना चाहिए सो आई नो कि मेरा जो प्रेशर अप्लाइड है वो सही है. अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा हाथ बहुत आसानी से जा रहा है और निकल रहा है तो प्रेशर कम है, उसको वापस खोल के बांधना है. कॉम्प्रेशन बैंडेज हमेशा आइस के बाद यूज करें तो बेटर है एंड कोई भी इंजर्ड पार्ट के 10 centimeters अबव एंड बिलो. एंड एलिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द इफेक्टेड एरिया. क्योंकि क्या होता है, अगर पैर में इंजुरी है और आपने लटका के रखा है नीचे तो ग्रेविटी विल पुल एवरीथिंग डाउन, लेकिन वहां पे इंजुरी के कारण इट्स नॉट एबल टू कम बैक इन द बॉडी, तो वो स्वेलिंग बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे, हीलिंग आपका स्लो हो जाएगा. तो एलिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो भी पार्ट आप एलिवेट करते हो वो हार्ट लेवल से ऊपर होना चाहिए. अब ये कुछ कॉमन थ्रेट्स है बास्केटबॉल में जो मैंने पर्सनली देखा है. हीट एग्जॉशन हो गए, हीट स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरीज हो गए, वुंड्स एंड कट्स हो गए, नाक से खून आ गया, कान आग से खून आ गया, बेहोश हो गए. बॉम्बे में मैंने देखा था एक कुत्ते ने काट लिया था, एनिमल बाइट्स. कन्वल्जन्स आ सकते हैं, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या इम्पैक्ट इंजरी. सो दीज आर द कॉमन थ्रेट्स इन बास्केटबॉल. उसके बारे में मैं थोड़ा और आपको एक आइडिया दूंगा, लेकिन ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट एड किट में होना क्या चाहिए. तो मैंने कुछ चीजें जॉट डाउन किया है. आपका हैंड सैनिटाइजर लिक्विड, स्टराइल ग्लव्स डिस्पोजेबल वाले, एंटीसेप्टिक लोशन, कॉटन रोल, स्टिकिंग टेप्स या बैंडेज या बैंडेड्स, सिजर्स, स्टराइल गॉज, डिस्टिल्ड वाटर या फिर क्लीन वाटर अगर आंख में इंजुरी है उसको क्लीन करना है, बिटरडेन क्रीम एंड सोल्यूशन, एंटी बैक्टीरियल क्रीम या पाउडर, एंटी फंगल पाउडर, क्रेप बैंडेज अलग अलग साइज के, ORS sachet, wooden sticks हो सकते हैं, safety pins हो सकते हैं, earbuds हो सकते हैं, torch हो सकता है, and ice pack. तो basic इतना चीजें आपके first aid kit में होना चाहिए. And इसके अलावा आपको अगर पता है कि आप basketball या कोई भी sport आप ये जगह पे खेल रहे हो, यहाँ पे तो ये injury ज्यादा होता है, ये court सही नहीं है, यहाँ पे फिसलते बहुत ज्यादा है, ankle twist बहुत होता है. जब आपको पता है कि ये court सही नहीं है, ankle twist बहुत होता है, तो आपको क्रेप बैंडेज ज्यादा रखना है, एंकल सपोर्टर ज्यादा रखना है. तो जो इंजुरी के हिसाब से आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि ये इंजुरी हो सकती है, तो मेरे फर्स्ट एड किट में ये सब चीजें होना चाहिए. बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस क्या है. तो जो हम डे टू डे यूज करते हैं, सेवलॉन, बिटरडेन, डेटॉल, वो सब एंटीसेप्टिक होता है. ये आप स्क्रैचेस, बर्न्स, कट्स या कोई माइनर इंजुरी है तो आप एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं. एंड डिसइंफेक्टेंट मेनली सर्जरीज में होता है या फिर कोई सरफेस को क्लीन करना है, वहां पे डिसइंफेक्टेंट यूज होता है. तो अब अगर एक इंजुरी हो गई है एंड यू हैव टू डिसाइड कि नो क्या है, लाइक मेन है कि कोचेस हर टाइम पे कोचेस वहां रहते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि फिजियो नहीं है या कोई डॉक्टर ऑनबोर्ड नहीं है, तो कोचेस को एक आइडिया रहना चाहिए कि इस टाइप की इंजुरी हुई तो ये डायग्नोसिस हो सकता है, तो उसके हिसाब से सोचना है. अब अगर कभी कोई हेड इंजुरी हो जाता है ग्राउंड पे, तो उसको नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगा, चक्कर आएंगे, ब्लैकआउट्स होगा, बेहोश हो सकता है, नाक से खून निकल सकता है, कान से निकल सकता है, आंख से निकल सकता है, मुंह से निकल सकता है, उसका जो विजन है वो ब्लर्ड हो सकता है.
अगर ये सिचुएशन हो रहा है तो आपको पता हेड इंजरी का केस हो सकता है, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास भेजना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई कट है तो आप उसको वुंड को क्लीन करो एंटीसेप्टिक लोशन से। अगर आपको आपके पास ऑन स्पॉट कोई क्रीम या लोशन नहीं है तो आप रनिंग फ्रेश वाटर से क्लीन कर सकते हो। जो भी कट है प्रेशर डाल के खून रोक सकते हो। अगर शोल्डर एल्बो या फिंगर में इंजुरी है, शोल्डर एल्बो में है तो आप एक स्लिंग में डाल दो, फिंगर में इंजुरी है तो दो फिंगर लो और उसको टेप कर दो, जिसको बॉडी टेपिंग बोलते हैं। फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हुआ है तो जो पार्ट है, जो एरिया अफेक्टेड एरिया है, वो मे बी शॉर्ट दिखेगा, वहां पे स्वेलिंग दिखेगा, वहां वो बॉडी पार्ट मूव नहीं कर पाएगा, थोड़ा डिफॉर्मिटी दिखेगा। अगर लिगामेंट इंजुरी है या टेयर है तो बोलेगा कि अनस्टेबल है, मतलब हिल रहा है। या फिर अगर गद्दी में इंजुरी है, मेनिस्कल में इंजुरी है तो बोलेगा लॉक हो रहा है पैर। तो आपको पता है कि ओके ये डायरेक्शन में सोचना है और इसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है। अगर वो खेल रहा है और कोई मसल टेयर है तो प्लेयर इमीडिएटली उसका जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, वो कम हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ गायब हो जाएगा। वो बोलेगा कि भले उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, एकदम से बोलेगा मेरा ताकत ही नहीं लग रही है, हैमस्ट्रिंग इंजुरी है, ताकत ही नहीं लग रही है, वो पार्ट को छूने नहीं देगा। तो आपको पता है ये मसल टेयर हो सकता है। नोज ब्लीड बहुत कॉमन है और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं वो है किसी के भी कान से अगर खून निकल रहा है, अपन बोलते हैं कि ऊपर देखो, सर को ऊपर देखो, खून बाहर मत निकलने दो। वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि क्या होता है, खून अंदर जा रहा है तो वो अंदर ब्लॉक कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट आर्टरी, नर्व, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया पे जाके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। तो हमेशा ध्यान देना है कि अगर नाक से खून निकल रहा है तो आपको आगे झुकना है नाक पे। अगर सपोज मेरे नाक राइट नोज से खून निकल रहा है, 20 सेकंड के लिए उसको दबाना है और छोड़ना है, ये रिपीट करना है तब तक जब तक वो खून रुक ना जाए। और आपको उतना ही दबाना है जिसमें ब्लीडिंग स्टॉप हो रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं दबाना है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे इनवॉलेंट्री क्रैम्स आ रहे हैं या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मेरे साथ फुटबॉल में हुआ था, एक बंदा डिहाइड्रेट हो गया, वो जमीन पर बैठा था, उसकी पैर की जो उंगली अपने आप टेढ़ी हो रही थी, ऐसा उस पर कंट्रोल नहीं आ रहा था। ये क्यों होता है, या तो आपके बॉडी का कैल्शियम लेवल कम हो गया है या तो CO2 लेवल कम हो गया है। तो बेस्ट है ऑन फील्ड जो आप कर सकते हो, एक प्लास्टिक पैकेट लेना है, नाक और मुंह के ऊपर रखना है, उसको उसी में सांस लेना है, वही पैकेट के अंदर ही सांस छोड़ना है और उसके अंदर ही लेना है। तो क्या होगा, ग्रेजुअली वो CO2 लेवल ज्यादा इनहेल करेगा, CO2 इनहेल करेगा तो उसके जो क्रैम्प्स है या मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो ईज आउट होंगे। एक बार आपको लगता है कि हाँ अभी वो थोड़ा स्टेबल हो गया है, उसको आपको डॉक्टर के पास भेज देना है। अगर ऐसा सिचुएशन है जो कोई बंदा अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया है, तो हमेशा ध्यान देना है कि एकदम से उसको जाके उठा के बिठाना नहीं है, ये आपको उसका ब्रीदिंग चेक करना है, पल्स रेट चेक करना है, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। अगर अगर वो लेटा है, गिर गया, लेटे में गिर गया है, तो दोनों पैर उठा के कोई हाइटेड पोजिशन पर रख दो ताकि ब्लड ज्यादा हार्ट की तरफ ट्रैवल करे। अगर लग रहा है कि टाइट कपड़े पहना है तो उसके कपड़े लूज कर दो। इसके बाद फिर आपको उसके मुंह पे पानी मारो और उसको जगाने की कोशिश करो। लेकिन होता क्या है, जब कोई बेहोश हो जाता है तो लोग बोलते चप्पल सुंगा दो, पानी मार दो, ये सब सेकेंडरी है। पहला है आपको ये चेक करना है कि उसका वो ब्रीद कर पा रहा तो है, कर पा रहा है कि नहीं, कहीं चोकिंग तो नहीं हो रहा है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है। एंड अगेन एक क्वेश्चन आता है कि मैं आइस कब यूज करूं और हीट कब यूज करूं, मेरे को इंजुरी हो गई, मेरे को पता नहीं है कि गर्म कब करना है, ठंडा कब करना है। तो ध्यान आपको ये देना है, अक्यूट इंजुरी, मैं दौड़ रहा था, गिर गया, ट्विस्ट हो गया, लग गया, आपको इंजुरी का रीजन पता है तो आप वहां पे आइसिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, मैं रात को सोया, सुबह उठा, मेरी गर्दन नहीं हिल रही, या मेरा बैक पेन कर रहा है, मेरे को पता नहीं, कुछ इंजुरी तो हुआ नहीं है, बैक पेन कर रहा है, या सडनली आप बोलते हो मेरा घुटना दर्द कर रहा है, क्यों दर्द कर रहा है, नहीं पता, तो जब ये रीजन होता है नहीं पता, तो आप वहां पे हीट यूज कर सकते हो या मसल स्पाज़म में हीट यूज कर सकते हो। तो ये सिंपल हो गया है कि कब आइस करना है, कब हीट करना है। एंड अगर कोई क्रॉनिक इंजुरी है, एंकल में स्वेलिंग है, बहुत पुरानी इंजुरी है, स्वेलिंग जा ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत पेन है, जा ही नहीं रहा है, तो वो टाइम पे आप एक दो बकेट पानी लीजिए, एक में गर्म एक में ठंडा, एंड फिर आप उसको पहले गर्म में डालिए फिर ठंडे में डालिए, तो उसको कॉन्ट्रास्ट बाथ बोलते हैं, वो टाइम पे आप दोनों यूज कर सकते हो।
ये था मेरा आज का टॉपिक, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी एंड फर्स्ट एड. तो आई गेस या इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. आप कोई भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर डॉक्टर केविन सर देंगे. ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम लेने वाले हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन चैट बॉक्स. केविन सर, शत्रुघ्न गोखले हियर. यस सर, किसी ने हमें एक सवाल पूछा है कि जैसे आपने बोला था कि अलग अलग प्लेयर्स का अलग अलग वार्मिंग अप बॉडी का ये रहता है, तो right. किसी ने पूछा है कि हाउ विल वी डिटरमिन कि इस सर म्यूट पे चले गए. गोखले सर म्यूट कीजिए. हाँ अभी आवाज आ रहा है, बोलिए सर. yes. बोलिए गोखले सर, बोलिए. मैं शायद गोखले सर का क्वेश्चन समझ गया हूँ. मे बी वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई प्लेयर को ये कैसे पता चलेगा कि इसकी बॉडी गर्म हुई है कि नहीं. सर यही था ना क्वेश्चन आपका? तो जैसे मैंने कहा कि जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसको अपना हार्ट रेट फील होना चालू होगा, उसका जो पल्स रेट है वो फील होना चालू होगा, उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, उसको हल्का हल्का पसीना आएगा, ऑटोमेटिकली उसको वो फ्रेशनेस फील होगा. वो जैसे जब आप वार्म अप होते हो तो आपको हल्का हल्का फ्रेश फील होना चालू होता है, आपको ऐसा लगेगा बॉडी एकदम खुल रही है. सो दैट इज हाउ यू नो कि आपकी बॉडी गर्म हुई है कि नहीं. तो मे बी 20 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर, मे बी 45 मिनट्स. लाइक बैडमिंटन में अगर मैंने अश्विनी पोनप्पा का देखा है, वो एक घंटा वार्म अप करती है तो उसकी बॉडी गर्म होती है. मैंने उसको पूछा भी कि आप एक घंटा क्यों करते हो, तो बोले कि मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मेरे को एक घंटा लगता है बॉडी गर्म करने के लिए. एंड वही मैंने दूसरे प्लेयर्स को देखा था, वो लोग 20 मिनट्स 25 मिनट्स कर रहे थे एंड उनकी बॉडी भी गर्म हो रही थी. तो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है. एंड एक बार पता है कि सपोज मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मेरे को पता है कि मेरी बॉडी 25 मिनट लगाती है, तो मैं 25 मिनट मिनिमम वार्म अप करना ही है, तब मेरे को फील होगा कि ओके मेरा ये सब बॉडी अभी खुलना चालू हो गया है. यस सर. सर एक सवाल अपने पास आया है जी. भांगे, मोस्ट ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर्स जो है उनको ACL इंजरी काफी होती है. तो व्हेन इट इज टियर्ड एंड नॉट डिस्कनेक्टेड, तो टियर इंजरीज में क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं? ओके, सो सबसे पहले ACL इंजरी होता क्यों है? अब बास्केटबॉल में कैसा है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, साइड टू साइड, क्रॉस मूवमेंट्स, जंप, ट्विस्टिंग, टर्निंग. तो होता क्या है, जब आपका पैर जमीन पे है एंड आपने घुटने से ट्विस्ट कर लिया, तो वो ACL जो लिगामेंट है वो या तो फट जाता है कम्प्लीटली या तो डिसरप्ट हो जाता है. अब ACL के तीन ग्रेड्स होते हैं, Grade 1, Grade 2 एंड Grade 3. Grade 1 होता है कि थोड़े बहुत फाइबर्स आपके टेयर हो गए, जो विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाकी के फाइबर्स उसको संभाल लेंगे. Grade 2 होता है रफली 40-60% ऑफ इंजुरी एंड Grade 3 होता है कंप्लीट टेयर. तो अगर कंप्लीट टेयर है तो वी नो कि अगर उसका पैर ट्विस्ट हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है, तो ही इज अ केस ऑफ सर्जरी, फिर कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर कंप्लीट टेयर है और पैर ट्विस्ट नहीं हो रहा है, लॉक नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंह को कंप्लीट ACL टेयर है, लेकिन उसका कंप्लेन नहीं है कि मेरा पैर घूम जाता है, लॉक हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल भी खेल रहा था. वहां से आपको पता चलता है सर्जरी करना है कि नहीं. और अगर Grade 1 या Grade 2 टेयर है तो आपको आपका हैमस्ट्रिंग मसल, जो थाइस के पीछे का मसल है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. बहुत बार क्या होता है कि ACL इंजरी में लोग बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बट क्वाड्रिसेप्स क्या करता है,
वो कॉर्टिसेप्स भी बोन को आगे खींचता है और एसीएल इंजरी में भी बोन आगे शिफ्ट होती है। तो एक क्लोज चेन एक्टिविटी करके एक चीज होता है, आप गूगल पे देख सकते हो, क्लोज चेन एक्सरसाइजेस फॉर हैमस्ट्रिंग मसल। तो वो टाइप की आपको एक्सरसाइजेस करना है जिससे आप वो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वो पीछे से पकड़ के रखेगा एंड ग्रेजुअली जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप वो प्रिकॉशंस लोगे, आप बैलेंस ट्रेनिंग करोगे, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करोगे, तो देन यू कैन बी बैक ऑन प्लेइंग डेज। थैंक यू सर। मिस्टर शैलेश इज आस्किंग वन ऑफ द अगेन वन ऑफ द कॉमन इंजरी इन बॉल, जब हम लोग बॉल होल्ड करने जाते हैं तो फिंगर में बार इंजरी होती है, तो वो जो फिंगर्स इंजरी होती है उसको हम किस तरह से ट्रीट करें? ओके, अगर सपोज बॉल आ रहा है एंड फिंगर इंजरी हो गया, तो अगर छोटा मोटा इंजरी है एंड बास्केटबॉल में अलाउड है तो आप उसको एक टेप कर सकते हो, मतलब वो फिंगर को बेंड नहीं कर पाएगा, स्ट्रेट रख के उसको टेप कर दो, लेकिन टेप उतना भी टाइट मत करो कि ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाए। दिस इज एक तरीका। बाय चांस ऐसा लगता है कि वो बॉल इतना जम के लगा कि मे बी कोई लिगामेंट इंजुरी है या वोलर प्लेट इंजुरी है या कोई फ्रैक्चर है, ये टाइम पे दो उंगली रखो एंड टेप करके उसको छोड़ दो, वो आगे खेल नहीं सकता है। एंड अगर ऐसा लगता है कि स्वेलिंग है, बहुत बार होता है कि एक ही बॉल बार बार एक ही उंगली पे लगता है और वो एक उंगली आपकी सूज जाती है, तो आपको जो स्पोर्ट्स की दुकान है या फिर सर्जिकल शॉप है या फिर जो ये चीजें जो वेंडर्स जो प्रोवाइड करते हैं, आपको सिलिकॉन कुशनिंग मिलता है, तो एक कैप रहता है सिलिकॉन का, आप उसको पहन लो तो वो आपको सपोर्ट करके रखता है। जी सर। शिवाली काले, शी इज आस्किंग, जैसा हम देखते हैं बास्केटबॉल इन इंडिया, ये हम लोग एक हार्ड सरफेस पे खेलते हैं, कॉमनली सीमेंटेड कोर्ट पे ही खेलते हैं, तो शीन इंजरी, शीन पेन रादर, शीन पेन बहुत होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? ओके, अगेन शीन पेन के रीजंस बहुत सारे हैं। एक हो गया हार्ड सरफेस, एक हो गया कि आपका शूज प्रॉपर नहीं है, एक हो गया आपका फुट या तो फ्लैट फुट है या तो बहुत हाई आर्च फुट है, एक हो गया कि उसका टेक्निक गलत है, उसका ग्लूट जो बम के जो मसल्स है वो वीक है, या फिर ओवर ट्रेनिंग हो रहा है, पानी सही नहीं पी रहे हैं, न्यूट्रिशन गलत है। तो आपको पहले ये स्ट्रक्चर्स पहले देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीमेंट पे खेल रहे हैं, सबको तो शिन पेन होता नहीं है। अगर 100 बच्चे खेल रहे हैं, 100 में से मे बी 25 को शिन पेन होगा, बाकी को नहीं होगा। तो रीजन इज नॉट ओनली द हार्ड सर्फेस, रीजन इज मे बी उसका स्ट्रेंथ नहीं है, उसका फुट वो टाइप गलत है, उसको मे बी इंसोल डालना पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ नहीं है, या वो बहुत ओवर ट्रेनिंग कर रहा है वो हार्ड सर्फेस पे, जिसमें उसकी बॉडी ले नहीं पा रहा है, प्रेशर ले नहीं पा रहा है, या फिर रिकवरी नहीं हो पा रहा है। सो एक बार आपने जब वो फैक्टर्स को क्लियर कर दिए, न्यूट्रिशन सही कर दिया, हाइड्रेशन सही कर दिया, स्ट्रेंथ सही कर दिया, फुट पोस्चर सही है, जूता सही है, एंड तो भी शिन पेन हो रहा है, तो आपको पता है कि हार्ट सर्फेस के कारण हो रहा है। अब अगर शिन पेन हो रहा है तो आप उसको सबसे पहले तो आइस लगाइए, अगर क्रॉनिक शिन पेन है तो आप हीट या आइस दोनों यूज कर सकते हो, आप क्रेप बैंडेज यूज करो, काफ मसल एंड शिन मसल की स्ट्रेचिंग बहुत सारा करिए, काफ मसल को मसाज करिए एंड शिन मसल एंड ग्लूट्स मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट के टिप्स है जो आप कर सकते हो शिन पेन के लिए। थैंक यू डॉक्टर। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन विल टेक, हम लोग वाइल रनिंग जो ब्रीदिंग प्रोसेस है हमारा, तो सर्टन कोचेस एडवाइज टू ब्रीद विद नोज, सर्टन कोचेस एडवाइज टू ब्रीद विद माउथ, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर? ओके, सो वी अपने सबके नाक में वी हैव हेयर जो फिल्टर का काम करता है, सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग विद नोज you are taking more oxygen, when you are breathing with mouth you are taking oxygen, carbon dioxide and baki sare gases, lekin apni jo body hai wo oxygen pe chalti hai, so it is always good and advisable ki aap naak se saans lo and muh se bahar chodo, to jab aap naak se saans loge you are taking more oxygen, jab aap muh se bahar chhod rahe ho you are releasing more carbon dioxide, so that is the more healthier and the more effective way of breathing. थैंक यू डॉक्टर। हमें और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बट समय की सीमा के कारण हम उन्हें ले नहीं पाएंगे,
कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर भी सवाल आ रहे हैं. हमारा कल परसों हमारा न्यूट्रन पे सेशन, वी टेक दैट क्वेश्चन इन द न्यूट्रिशन सेशन. आप काफी डॉक्टर केवी से बात करना चाहूँ, उन्होंने काफी अच्छा हमारे गाइड किया. आगे इस सेशन के चेयरमैन एमओ गिरा, मैं इनसे करता हूँ कि ये हम रुपए अध्यय भाषण करें. एमओ वर्गीस पर अमित, एमओ वर्गीस पर हमें एक मिनट सर. सर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं. वर्गीस सर, हेलो वर्गीस सर, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो गोखले सर, गोखले सर, गोखले सर अनम्यूट करा स्वतःला. हाँ सर, सरांची कनेक्टिविटी दिसत नाही इथे मला. एमओ वर्गीस सर आज द्या. आयफोन नाव आयफोन आयफोन. हाँ सर, यस यस यू आर अनम्यूटेड नाउ. हेलो 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 गोखले सर. हाँ, त्यांना मी इतना रिक्वेस्ट पाठवत आहे, अनम्यूट होत नाही ते. सर सर आप सुन सकते हैं? आयफोन नी इथे दोन चार लोक आहेत. हाँ, ये आता आले होते सर, दिले आले ना. हाँ हाँ, त्यांना मी इतना रिक्वेस्ट पाठवतो आहे, अनम्यूट करत नाही ते. एक मिनट मी बघतो. आईफोन जो है वो ऑलरेडी अनम्यूट है. हाँ, मैं दोनों को रिक्वेस्ट भेजिए. एक आईफोन को उन्होंने अनम्यूट किया खुद को, लेकिन वो नहीं है. सेकंड को भेज रहा हूँ. ऑलरेडी अनम्यूट है. हाँ हाँ हाँ, उनको खुद को अनम्यूट करना है. हाँ हाँ, मैंने यहाँ से भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, उनको नहीं कर रहे वो. हेलो सर को बोलो, उनको फोन कर रहे हैं. हाँ, एक हो गए अभी, आईफोन एक अनम्यूट हुआ है. हेलो, स्क्रीन वर त्यांचं व्हिडिओ दिसत नाही सर. नाही, व्हिडिओ दिसत नाही त्यांचा. हा, आले 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 सर. हा वर्गीस सर, सर आपका आवाज आ रहा है हमारा? हा नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर हमें. रीकनेक्ट कीजिए. नहीं, फिर से रीकनेक्ट कीजिए. आप रीकनेक्ट कीजिए सर, आप फिर से, और हेडफोन लगा के रीकनेक्ट कीजिएगा.
नहीं सर, नहीं नहीं आ रहा है अभी भी। सर आप फोन से कनेक्टेड है या लैपटॉप से? हैंड रेस कीजिए। हेलो वीडियो डिस्कनेक्ट, नहीं पुनः ज्वाइन होता है कदाचित। पुना पुना हेलो गोखले सर, एक दो क्वेश्चन लीजिए जब तक। हाँ सर क्वेश्चन हो गए तो ले सकते तब तक। हाँ जब तक क्वेश्चन वर्गीस सर आप हमें दिख रहे हैं, आपका साउंड नहीं आ रहा है। नहीं 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 सर, माइक की सेटिंग आपकी चेंज हो गई है उसके कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहे आप। सर एक काम कीजिए, आप लैपटॉप पर है या मोबाइल पर है? लैपटॉप पर है तो आप एक काम कीजिए सर, लैपटॉप पर है तो एक एक उंगली दिखाइए आप। अमित मोबाइल पर है, एक उंगली दिखाइए। मोबाइल मोबाइल ओके आईफोन ओके। हाँ हाँ सर ये जो माइक का ऑप्शन है, हाँ माइक के ऑप्शन में क्लिक कीजिए आप। ऑप्शन में क्लिक किया ओके, आया आपका आवाज अभी? नहीं फिर से गया। Again, click on that mic. सर फिर से कीजिए। नहीं फिर से कीजिए आप। ओके बोलिए बोलिए सर बोलिए। नहीं 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 अभी फिर से आवाज गया आपका। एक्चुअली आप यहाँ से अनम्यूट तो दिख रहे हैं हमें। अमित को उनको बोलो वॉल्यूम बढ़ाएंगे अपना, उनका वॉल्यूम बंद है। वॉल्यूम बढ़ाइए बोलना सर। वॉल्यूम लेवल देखो बढ़ा है। नहीं प्रवीण वो जो सेटिंग में उन्होंने माइक्रोफोन नहीं किया है सेट, वो डिफॉल्ट स्पीकर किया है उसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं स्पीकर माइक कनेक्ट हो रहा है अमित, हाँ आवाज नहीं आ रहा है तो मे बी पॉसिबली ये कि उन्होंने वॉल्यूम नहीं नहीं उनको उनको एक्चुअली साउंड आउटपुट जा रहा है अपना जा रहा है, माइक्रोफोन नहीं जा रहा है उनका। नहीं सर एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए आप माइक्रोफोन निकाल लीजिए, माइक्रोफोन निकाल लीजिए। हाँ अभी डिवाइस से भी निकाल लीजिए। हाँ डिवाइस से निकाल लीजिए माइक्रोफोन। हेलो डिवाइस से माइक्रोफोन निकाल लीजिए सर, अभी बोलने की कोशिश कीजिए। हेलो अभी बोलने की कोशिश कीजिए, माइक्रोफोन निकाल लीजिए डिवाइस से। गोखले सर मोबाइल का लेफ्ट कॉर्नर टॉप में म्यूट किया रहेगा। हेलो हाँ सर आप बात पूरा माइक्रोफोन निकाल के ईयरफोन निकाल के वैसे ही बात कीजिए।
सर माइक्रोफोन निकाल के बात कीजिए ना आप, मतलब फोन से डिस्कनेक्ट कीजिए माइक्रोफोन को। गोखले सर तेवापर्यंत तो क्वेश्चन घेऊन घ्या। सबसे पहले तो वर्क ऑन योर कोर, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग होता है तो आप एनी डे बैक इंजरी प्रिवेंट कर सकते हो। जब कोर की बात करते हैं तो लोग बहुत क्या करते हैं, क्रंचेस कर लेते हैं, अगर वो उनका ये थिंकिंग है कि अगर सिक्स पैक एब्स नहीं है मतलब मेरा कोर स्ट्रांग नहीं है। लेकिन कोर क्या होता है, अगर ये आपका स्पाइन है, ये यहाँ पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्पाइन को जो भी मसल अटैच्ड है जो उसको स्टेबिलिटी देता है वो है आपका कोर स्ट्रेंथ। तो वर्क ऑन योर कोर, वर्क ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क ऑन योर मोबिलिटी एंड ओवर ट्रेनिंग मत करो। दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट बैक इंजुरी। किसी का कहना है कि अगर आफ्टर ऑपरेशन बाद में खेलना स्टार्ट करने के बाद पेन होता है तो क्या सोल्यूशन? अगर आफ्टर ऑपरेशन वापस पेन होता है मतलब उसका या तो रिहैब प्रॉपर हुआ नहीं है या जो पार्ट का ऑपरेशन हुआ है वो अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है, तो ही शुड गो मीट द डॉक्टर अगेन, अच्छे फिजियो के पास जाइए एंड फर्स्ट ट्रीट इट, एक बार वो पेन निकाले फिर खेलने के लिए तैयार हो। सर एक क्वेश्चन है कि अगर एंकल ट्विस्ट हो जाता है डॉक्टर तक पहुंचने तक क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है? ओके, अगर एंकल ट्विस्ट होता है सबसे पहले आइस, जहां पे भी नॉर्मली एंकल के बाहर के साइड ही ट्विस्ट होता है तो वहां पे आप आइस लगाइए। आइसिंग जैसे हो गया 8-10 मिनट या 15 से 20 मिनट आप उसको क्रेप बैंडेज लगाइए। पैर पे वेट नहीं डालना है, आप मे बी एक स्टिक ले लो या फिर क्रचेस ले लो, फ्रेंड के कंधे पे हाथ डाल दो, वो पैर पे वेट नहीं लेना है। उसको तो अगर आप रेस्ट कर रहे हो बैठे हो तो उसको एलिवेटेड पोजिशन में रखे कोई तकिए पे या चेयर पे या स्टूल पे एंड दिस इज हाउ यू कैन रीच द डॉक्टर। ओके थैंक यू सर। अमित आपण नसेल करेक्ट होता आपण मोठा थैंक्स यू सर। एक मिनिट पुन्हा चेक करून घेऊ आपण। हां ट्राय करू। ओके वर्गीस सर आप कनेक्टेड है हमारे साथ में? हाँ सर दिख रहे। वर्गीस सर आप अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कीजिए सर। नहीं अभी भी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं नहीं कनेक्टिविटी के वक्त आपका डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ चेंजेस हो गए इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। ओके ठीक है गोखले सर फिर आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम हमें शेयर रूम के साथ में हम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं पालघर के चेयरमैन शैलेश फुलसुंगे इनसे विनती करता हूं कि वो प्लीज कंटिन्यू करें। शैलेश आर यू देयर? तो क्या नाम बताया आपने? शैलेश फुलसुंगे सर आप हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर, प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए।
हमने यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेस कर दिया है, शैलेश पुल सुनगे सर। गोखले सर ठीक है, वी विल गो फॉर वोट ऑफ थैंक्स। आई विल रिक्वेस्ट रामास्वामी, कॉमनली नोन एज रमेश फ्रॉम मुंबई सेंट्रल, टू प्लीज पुट अ वोट ऑफ थैंक्स। रमेश सर। या थैंक यू गोखले सर, एंड I'd like to thank all of the people who are present here, whether they were players, coaches, referees, administrators, district secretaries, and all the other members who are present here. And a special thanks to Dr. Gokhale and Dr. Velurkar also. And this is a very, very interesting and important session that we covered today, because we have seen a lot of players having to bow out of the game because of injuries. But I think this session by Dr. Kevin Agarwal was excellent, on the spot. This is very much required. So we would like to thank first Dr. Avinash Kund, who is the Director of Sports for Nagpur University, and for opening up the speech and welcoming Dr. Kevin Agarwal. Dr. Kevin Agarwal himself, I mean, his poster banner said of a resource person, but I think he's more of a resourceful person for sports and athletes and sportsmen. So thank you, Dr. Agarwal. Thank you, Dr. Avinash Pond. Also, Dr. We have M.O. Varghese, who was a chairperson for today, but unfortunately, due to technical reasons, we couldn't hear him on the concluding sessions. But we all know Mr. M.O. Varghese, and we recognize his and appreciate his contribution to the game of basketball. Thank you, Mr. M.O. Varghese. Mr. Shailesh Fulsunge also, he was the... is the chairman of the Palghar University, the youngest district in Maharashtra, and for introducing all the others. So I think this was an excellent session. We had a very good session yesterday, as well as a good session today, and the subsequent sessions to be followed tomorrow day after also promises to be very important, and which is relevant to our field. And a special mention to Dr. I think Amit Thamburne, who's been coordinating very well and is very efficiently managing a lot of things. So good job done over there. And all the participants who've been asking relevant questions, important questions based on their experiences. So overall, it was an interactive session. Thank you all. Thank you very much. And I will look forward to seeing all of you tomorrow as well. Thank you very much. Thank you, Ramesh sir. Aaj ka ye session hum yahi samapt karne ja rahe hain. हम ये जानकारी देना चाहते कि कल हम लोग बास्केटबॉल के ऑफिशिएटिंग के ऊपर हमारे ही बीच के डॉक्टर बंसोड़े, इनका हम लेक्चर सुनने जा रहे हैं। ये लेक्चर मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे प्लेयर्स, रेफरी तो करेंगे ही, सारे प्लेयर्स ने भी ये सुनना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिशिएटिंग में रेफरीज प्लेयर्स या रेफरीज कोच कंफ्लिक्ट होता है, if players and coaches also join tomorrow session, we can reduce the referees coaches or referees players conflict. So friends, we will meet tomorrow 11:30. Thank you very much. Thank you, sir.